ये मेन लोकेशन पड़ती है सोहना में, जो कि ऑन हाईवे है, सोहना टू पलवल हाईवे। आप देख सकते हो पीछे एनएच हाईवे है। यहाँ से अगर आप लोकेशन की बात करो तो सोहना चौक यहाँ से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। पलवल हाईवे ये हमारा है। अगर यहाँ से हम 6 किलोमीटर आगे जाते हैं तो सोहना चौक आपका पड़ जाता है, जो कि गुड़गांव वाला रोड है। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका केएमपी हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे होने वाला है, जो कि केएमपी हाईवे से कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास 60-65 गज, 80 गज, 100 गज के प्लॉट हैं, और ये जो ब्लॉक है हमारा ये एक ही साइज का होने वाला है, जो कि 88 स्क्वायर यार्ड्स का होने वाला है। इसके बैक साइड में अगर मैं इन्वेंटरी की बात करूं तो 80 गज के प्लॉट। जो भी लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको क्यों फायदा रहेगा यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं आज से कुछ साल पहले गुड़गांव बसाया गया था। गुड़गांव की उस टाइम क्या वैल्यू थी? 5,000-6,000 रुपए गज के हिसाब से लोग प्लॉट ले रहे थे। जिन लोगों ने प्लॉट लिया उन लोगों को बेनिफिट हुआ, जिन्होंने नहीं लिया वो आज के टाइम में पछता रहे हैं। ये जो सामने हमें ये क्या चीज है, ये कॉरिडोर टाइप दिख रहा है, क्या चीज़ ये है? आपका फरीदाबाद टू भिवाड़ी रेलवे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये रनिंग में है अभी। ये भी एक यहाँ का बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है। साइट विजिट कंपनी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराती है। अगर आप यहाँ पे साइट विजिट करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करिए या हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी साइट विजिट बुक करिए। अपनी टाइमिंग बताइए, किस टाइम आप आना चाहते हैं, किस दिन आना चाहते हैं, कितने लोग हैं, अपनी लोकेशन हमसे शेयर कीजिए। ठीक है, देन आपके घर पे ही गाड़ी पहुँच जाएगी, आपको पिक करके साइट विजिट करा के देन घर पे ड्रॉप कर देगी। फ्री पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी हमें मिलने वाली है। तो गाइज, अगर आप भी देख रहे हैं साउथ गुड़गांव के अंदर एक प्रॉपर्टी, वो भी प्लॉट का इन्वेस्टमेंट, तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिल्कुल ऑन हाईवे, जो कि केएमपी हाईवे से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारी ये साइट रहने वाली है। और यहाँ पर हम दिलवाने वाले हैं आपको कुछ प्लॉट, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। मैं आपको मिलवाने वाला हूँ यहाँ पर सेल्स मैनेजर से, जो कि हमें बताएंगे किस तरीके की ये साइट रहने वाली है, क्या प्रोजेक्ट में USPs रहने वाली हैं, क्या कनेक्टिविटी रहेगी, क्या बेनिफिट रहेंगे यहाँ पर प्लॉट का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। चलिए जानते हैं सर से किस तरीके की लोकेशन रहेगी और कैसा ये प्रोजेक्ट रहने वाला है और क्या क्या यहाँ पर रेट्स रहने वाले हैं, क्या साइज रहने वाले हैं। तो गाइस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर जी, जो कि MK एशियन ग्रुप से हैं और सेल्स मैनेजर हैं, जो हमें बताने वाले हैं इस लोकेशन के बारे में, साइट के बारे में सारी चीज़ें यही बताएंगे, किस तरीके से कनेक्टिविटी रहेगी, क्या प्राइस रहेगा, क्या साइज रहेगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइए किस लोकेशन पर पहले अभी हम खड़े हुए हैं? ये मेन लोकेशन पड़ती है सोहना में, जो कि ऑन हाईवे है, सोहना टू पलवल हाईवे। आप देख सकते हो पीछे एनएच हाईवे है। यहाँ से अगर आप लोकेशन की बात करो तो सोहना चौक यहाँ से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ से आगे सैलानी चौक है, जो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये मेन सोहना में पड़ता है, IMT के नजदीक पड़ता है। IMT के नाम से ही जाना जाता है, जैसे कि आप जानते हो साउथ ऑफ गुड़गांव अभी जो है सरकार बसाने जा रही है, साउथ ऑफ गुड़गांव की प्लानिंग चल रही है, तो यही साउथ ऑफ गुड़गांव होने वाला है। सो जैसे कि आपने बात करी, अभी हम साउथ गुड़गांव की लोकेशन पर खड़े हुए हैं, एक्सप्रेसवे जैसे आपने बताया, कितनी दूरी पर एक्सप्रेसवे रहने वाले हैं, कौन कौन सी कनेक्टिविटी को अप्रोच करते हैं? सर, ये लोकेशन जो हमारी है ये एक्सप्रेसवे से घिरी हुई है चारों तरफ से, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है। जैसे कि आपको दिख रहा है सोहना पलवल हाईवे ये हमारा है। अगर यहाँ से हम 6 किलोमीटर आगे जाते हैं तो सोहना चौक आपका पड़ जाता है, जो कि गुड़गांव वाला रोड है। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका KMP हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे होने वाला है, जो कि KMP हाईवे से कनेक्ट कर रहा है। तो ये तो मैंने आपको कनेक्टिविटी के बारे में बता दिया है। बाकी अगर मैं आसपास के डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया IMT यहाँ से 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, रोज का न्यू इंडस्ट्रियल एरिया है वो आपको यहाँ से 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया आपका पास में है, उसका एडवांटेज आपका ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको जॉब की प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप यहाँ पे आके अपना रोजगार भी करना चाहते हो तो आपको जॉब भी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ पे डेवलपमेंट आता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का मास्टर प्लान होता है, अगर आप सर्च करें तो सोहना मास्टर प्लान 2031 गूगल पे पड़ा है, उसी के हिसाब से जैसे गुड़गांव। तो कहने का मतलब ये है मास्टर प्लान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखने को मिली है। एम्प्लॉयमेंट भी आपको यहीं मिलेगा, घर भी आपको यहीं मिलेगा, कनेक्टिविटी आपको यहीं मिल रही है ऑलरेडी, जो आपने बताया ये अभी व्यूअर्स को। सर, ये अभी हमें स्टार्टिंग में ही हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि जो भी लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको क्यों फायदा रहेगा यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं आज से कुछ साल पहले गुड़गांव बसाया गया था। गुड़गांव की उस टाइम क्या वैल्यू थी? 5,000-6,000 रुपए गज के हिसाब से लोग प्लॉट ले रहे थे। जिन लोगों ने प्लॉट लिया उन लोगों को बेनिफिट हुआ, जिन्होंने नहीं लिया वो आज के टाइम में पछता रहे हैं। गुड़गांव के बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन बसाया गया,
उसका भी बहुत ज़्यादा हाइप गया था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है हाई राइजेस बने, बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया। उसके बाद आपका यहाँ न्यू गुड़गांव बनाया गया। न्यू गुड़गांव के बाद अभी ये आपका जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होने जा रहा है वो सोहना का होने जा रहा है, जिसको साउथ ऑफ गुड़गांव के नाम से बसाया जा रहा है। तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिन लोगों ने गुड़गांव में न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में और न्यू गुड़गांव में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, उसका एडवांटेज नहीं उठा पाए, उनके लिए एक मौका मिल रहा है कि सोहना में अपना साउथ गुड़गांव अपना प्लॉट लेके वो फायदा वो लोग उठा सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रीमियम लोकेशन रहने वाली है। ये जो हमारी लोकेशन होने वाली है चारों तरफ से हाईवे से कनेक्टेड होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, केएमपी हाईवे है, और यहाँ पे आपका सोहना चौक है, गुड़गांव जयपुर वाला रोड है। इधर से अगर हम बात करें, फरीदाबाद से हमारा रोड कनेक्ट हो रहा है, किरंकी गांव जो हमारा मेन लोकेशन पड़ती है, किरंकी गांव में पड़ती है। तो पूरा ये चारों तरफ से हमारा कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है, हाईवे से एक्सप्रेसवे से घिरा हुआ हमारा। तो कहने का मतलब ये है आपका कि किसी भी लोकेशन पर निकल सकते हैं जी, केएमपी से आप दिल्ली नोएडा कहीं भी जा सकते हैं, फरीदाबाद जा सकते हैं, उधर गुड़गांव भी आपके नजदीक रहने वाला है, मेन गुड़गांव। साथ ही साथ आपको ये हाईवे जो मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये आपका सोना पलवल हाईवे रहने वाला है, यहाँ से भी आप सारी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। सर अब हमें हमारी साइट दिखाइए और साइट पर चल कर ही हम बाकी की बातें करेंगे। चलिए साइट पर चलते हैं। तो सर जैसे कि अभी हम 20 फीट रोड पर चल रहे हैं, तो इस साइड भी प्लॉट है, इस साइड भी प्लॉट है, तो ये बताइए इस साइड कौन से प्लॉट रहने वाले हैं और यहाँ पर ये मुझे लगता है छोटे प्लॉट इस साइड रहेंगे। सर यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये तो अलग अलग डायमेंशन के प्लॉट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 60-65 गज, 80 गज, 100 गज के प्लॉट हैं, और ये जो ब्लॉक है हमारा ये एक ही साइज का होने वाला है, जो कि 88 स्क्वायर यार्ड्स का होने वाला है। इसके बैक साइड में अगर मैं इन्वेंटरी की बात करूं तो 80 गज के प्लॉट हैं, जो कि 20x40 के 40 का डायमेंशन उनका होने वाला है, 20x45 का डायमेंशन होने वाला है। सर ये जो सामने हमें ये क्या चीज है, ये कॉरिडोर टाइप दिख रहा है, क्या चीज ये है? आपका फरीदाबाद टू भिवाड़ी रेलवे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये रनिंग में है अभी। ये भी एक यहाँ का बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है, क्योंकि यहाँ से लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यही देखते हैं कि कनेक्टिविटी क्या है, रेलवेज है, रोड्स हैं, हाईवे की कनेक्टिविटी है, मंदिर है, मस्जिद है, तो ये सारी फैसिलिटीज आप देख सकते हैं। बैक साइड में हमारे 0 किलोमीटर पे यहाँ पे राधे कृष्णा मंदिर है जी, हमारे लोकेशन के। और अगर मैं आसपास की बात करूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स और काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस भी हैं हमारी सोसाइटी के जस्ट 2 किलोमीटर के रेडियस में। सर ये बताइए कि यहाँ पर सोसाइटी के आसपास कौन कौन से स्कूल रहने वाले हैं, हॉस्पिटल्स रहने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं? सर यहाँ पे वेदास इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, एंजल्स पैलेस इंटरनेशनल स्कूल है, जो कि बहुत ही अपने आप में लग्जरी एक स्कूल होने वाला है। और आसपास में यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी है, जो कि हमारी सोसाइटी से जस्ट 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कॉलेजेस हैं और आपका यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, जो कि APJ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूँ, हॉस्पिटल्स भी आपको यहाँ पे, क्लिनिक्स भी यहाँ पे आसपास में मिल जाएंगे, ग्रोसरीज की जो फैसिलिटीज होती हैं डेली। तो आपका कहने का मतलब ये है डेली नीड्स की सारी चीजें आसपास मिलने वाली हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, रेलवे कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, सारी चीजें आपके आसपास मिलने वाली, सारी चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है, किसी भी चीज की आपको कमी नहीं होने वाली है, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप डे वन से यहाँ पे अपना मकान बना के रहना चाहते हैं तो आपको 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस में सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे बता दी मिलने वाली। महंगी जमीन है सर, ये महंगी जमीन नहीं है। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आसपास जो लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं वो 22,000-25,000 रुपए गज के हिसाब से कर रहे हैं, और ऐसी लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो जाती है 40,000-45,000 रुपए गज के हिसाब से। ठीक है, लेकिन हमने लोगों के बजट के अकॉर्डिंग यही चीज सोचकर एक अफोर्डेबल प्राइस निकाला है, जो कि मात्र 15,500 रुपए से स्टार्ट होता है। 15,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आपको चीजें मिलने वाली है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सर कितने से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर? मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 88 गज के, 80 गज के प्लॉट है, जो कि आपको लगभग अगर मैं 15,000 रुपए के हिसाब से लगाऊं तो आपका 12-12.5 लाख रुपए का पड़ता है। कुछ भी नहीं है सर, ये तो बहुत ही कम प्राइस के अंदर आप चीजें दे रहे हैं जी। सर ये और बताइए कि ये जो प्राइस आपने बताया तो यहाँ पर ये प्राइस पूरा एक साथ देना पड़ेगा या कुछ और प्लानिंग है इस पेमेंट? नहीं नहीं नहीं, आपको एक साथ नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप प्लॉट लेते हो तो आपके बजट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इतना बड़ा फंड एक साथ कोई अरेंज नहीं कर पाता है, हर कोई नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमने एक EMI प्लान निकाला है, जो कि बहुत ही आपके लिए इजी होने वाला है। मात्र 30% देके आप अपना प्लॉट बुक कर सकते हो यहाँ पे, 50% देके आप अपनी रजिस्ट्री भी करवा सकते हो। अगर किसी को सिक्योरिटी इशू है तो अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है सिर्फ आधा अमाउंट देके, पूरे अमाउंट का। बाकी अमाउंट 70% या 50% जो आपका रिमेनिंग अमाउंट रह जाता है, उसके लिए कंपनी आपको 2 साल का टाइम दे रही है,
जिसमें ना आपको कोई ब्याज देना है, ना कोई पेनल्टी देनी है, ना कोई डेवलपमेंट चार्ज देना है। गाइस यहाँ पर आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हाईवे के नजदीक आपको प्लॉट मिल रहे हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स के पास, कॉरिडोर के पास, सारी चीजें आपके आसपास मिलने वाली है। सर ये और बताइए, जो आप ये जो गेटेड सोसाइटी बसा रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज करके दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? सर ये गेटेड सोसाइटी होने वाली है, अगर मैं उसकी बात करूं कवरिंग की, तो फ्रंट पे तो हमारा कमर्शियल होने वाला है पूरा, तो उसको तो हम कवर नहीं कर सकते हैं। यही साइड भी हमारी कमर्शियल होने वाली तो है। कहने का मतलब ये फ्रंट का जो कमर्शियल रहेगा ओपन टू ऑल रहेगा, ओपन टू ऑल रहेगा। और बाकी जो सोसाइटी के अंदर और क्या क्या फैसिलिटी देंगे? फैसिलिटी आपको यहाँ पे हमारी कंपनी रोड बनाकर देगी, सीवरेज का काम करा के देगी, पूरे सोसाइटी में आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करके देगी, वाटर सप्लाई कंपनी करा के देगी, पोल्स लगा के देगी, जो एक सोसाइटी के अंदर नीड्स होती हैं वो तो सारी चीजें आप कर देंगे। बेसिक एमिनिटीज कंपनी आपको सारी देती है, उसका भी आपसे कंपनी कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं लेती है। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कितनी प्राइम लोकेशन है ये, गुड़गांव से नजदीक, नोएडा से नजदीक, दिल्ली से नजदीक, कुछ ही मिनटों की दूरी पर आपको सभी लोकेशंस आसपास रहेंगी। और साथ ही साथ इस लोकेशन से आप डायरेक्ट मुंबई निकल सकते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नज़दीक ये लोकेशन रहेगी, कुंडली मानेसर हाईवे के बिल्कुल नज़दीक रहेगी और सोना पलवल हाईवे के बिल्कुल नज़दीक रहेगी। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना तो यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर है, समीर जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी साइड विजिट प्लान कर सकते हैं। सर साइड विजिट के लिए अगर कोई दिल्ली से हमारा भाई आ रहा है तो वो कैसे प्लान कर सकता है? साइड विजिट कंपनी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराती है। अगर आप यहाँ पे साइड विजिट करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करिए या हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी साइट विजिट बुक करिए, अपनी टाइमिंग बताइए किस टाइम आप आना चाहते हैं, किस दिन आना चाहते हैं, कितने लोग हैं, अपनी लोकेशन हमसे शेयर कीजिए, ठीक है, देन आपके घर पे ही गाड़ी पहुंच जाएगी, आपको पिक करके साइट विजिट करा के देन घर पे ड्रॉप कर देगी। तो फ्री पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी हमें मिलने वाली है, बिल्कुल फ्री पिक एंड ड्रॉप। तो फ्री पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी मिलने वाली है। और सर हमारे जो व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई आता है तो उसको कुछ डिस्काउंट देंगे आप इस वीडियो के माध्यम से? उसके लिए अगर एक हफ्ते के अंदर कोई हमारा प्रोजेक्ट पे विजिट करता है, जैसे कि आज संडे, नेक्स्ट संडे तक अगर कोई विजिट करता है तो उसको 10% तक का हम डिस्काउंट देंगे। 10% तक का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके बताना है कि आप देवरुष प्रॉपर्टी ब्लॉग्स के थ्रू आए, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलने वाले हैं। तो मेरे को लगता है कि ये एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। आज आप यहाँ पर मकान लेंगे तो 2 से 3 साल में आपके रेट्स जो हैं डबल से ट्रिपल होने वाले हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करें, विजिट करें और अपनी साइट विजिट करके अपना प्लॉट बुक कराएं। आपकी जानकारी के लिए बताया था, पिछले हफ्ते ही ये साइट लॉन्च हुई है और साइट लॉन्च होते ही आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है। कुछ ही प्लॉट्स बचे हुए हैं प्राइम लोकेशन के, जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी आपको ये प्लॉट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आइए विजिट कीजिए और अपने सपनों का घर यहाँ पर बसाइए।